वेलकम बैक टू अनदर गेमप्ले वीडियो ऑफ नाजायज होटल। और जैसा कि तुम सबको याद होगा, इससे पिछले एपिसोड में मैंने बहुत तगड़ी अपग्रेडेशन करी थी और उसमें मेरा सारा पैसा खर्च हो गया था। मुझे मेरे होटल का 6th रूम नंबर बनाना था बट वो पूरा नहीं बन पाया था। हाँ, मैंने लास्ट में कुछ सामान ऑर्डर कर दिए थे, वो तो मेरे पास आ गए थे बट अभी वो अपना रूम कम्प्लीट नहीं हुआ है। तो आज के दिन अपन उस रूम को कम्प्लीट करेंगे। बाकी अगर आज किसी ने ये वाला कमेंट किया ना तो भाई देख लेना, मैं साला बुलेरो लेके घर में घुस जाऊंगा। आ जाएगी ना भाई, आ जाएगी, उसकी वीडियो भी आ जाएगी, ये देखो पहले। और जिनको मोटेल की वीडियो देखनी होती है भाई, तुम लोग कमेंट करते नहीं, कमेंट करो, तुम लोग अभी जाके कमेंट करो, अरे मोटेल की वीडियो आ गई, ऐसा लिखो, सब जाके लिखो, अभी जाके लिखो। चलो गेम। ओके गाइस, तो अभी अपन गेम में आ चुके हैं और अपनी शॉप एकदम तगड़ी तरीके से चल रही है। अरे दीदी, अरे यहाँ आते एक तो ऐसी शक्लें देखने को मिलती है ना, मैं क्या ही बताऊं। क्या दीदी, दीदी क्या हुआ दीदी, व्हाट हैपेंड? अरे अरे छोड़ो, मेरे को मेरा काम करने दो। और अरे मेरा काम सबसे पहला यही रहता है कि मैं कचरा झाड़ू पोंछा लगाता रहता हूँ जीवन भर। छोड़ो, ये नहीं करूंगा मैं देखूंगा, मैं होटल का मालिक हूँ, ठीक है, मैं होटल देखूंगा मेरा। और यहाँ पे क्या हो रखा है? अरे इसके ऊपर मैंने अभी तक वो नहीं करी, क्या टाइलिंग नहीं करी है बताओ। पूरे होटल पे टाइल लगा दी मैंने, यहाँ टाइल नहीं लगाई। बाकी मेरे को ये वाला रूम बनवाना है ना, हाँ ये वाला रूम बनेगा, देखो आज एकदम तगड़ा वाला रूम बनेगा, देखते रहो बस। टाइले वाले मंगवाई थी मैंने, अरे एक तो याद नहीं रहता है मेरे को। एम्प्लॉय स्टॉप्ड वर्किंग, कौन सा एम्प्लॉय स्टॉप किया रे काम करना, कौन सा एम्प्लॉय स्टॉप किया, तू कर रहा ना काम, तू करती रही हो बस। गैस स्टेशन चलना चाहिए, गैस स्टेशन जो है बहुत पैसा निकाल के देता है। बाकी क्या क्या सामान आ गया बताओ। ये रही सारी टाइल्स गाइस, ये रही देखो, ये सारी सीलिंग वगैरह वाली है, ये सारी उठा लेता हूँ। चलो एक एक करके, 1 2 3 4, ले जा ही नहीं पा रहा। तेरे को क्या हो गया है, यहाँ क्यों खड़ा, चाटा पड़ेगा जोर से खेच के, चल जा चुपचाप। अरे इनको यार डायरेक्ट फेंक देता हूँ मैं, लेकिन फेंकने से भी तो मतलब नहीं है, वहां तो जाना ही पड़ेगा। देखो ये रास्ते में गिर गई भाई, टूटती नहीं टाइल, अंदर एकदम मस्त थर्माकोल के साथ पैक कर रखा। अब ये कहाँ लगाने के लिए लाया हूँ मैं, यही तो है ये। अच्छा ये सीलिंग की है, ठीक है सीलिंग लगा देते हैं पूरी पे, सेम। यार सीलिंग ज्यादा नहीं मंगा ली मैंने, वो तो बहुत सारी थी। रुक जाओ, इसमें भी करनी होगी मेरे को शायद, हाँ इसलिए मैं बहुत सारी मंगा लेता हूँ एक साथ। और दो ये हो गई इसके अंदर पूरी सीलिंग। अबे इतनी सी होती है, 100 टाइल एक झटके में खत्म हो जाती है, देख रहे हो तो। ये यहाँ से लेके यहाँ तक लगाया, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक। चलो ये भी सीलिंग पूरी हो गई, अंदर और बच रही, अंदर भी लगा दी। दोनों रूम एक साथ बनाऊंगा। दोनों रूम का माल मंगाया था कि एक ही रूम का माल मंगाया था, ये और नहीं मालूम मेरे को। अच्छा अबे मिक्सअप में है ये, मिक्सअप में, ये देखो ये वॉल का माल है। चलो कोई बात नहीं, जो माल हाथ में आ रहा है सारा लगा दूंगा। इसको यहाँ तक लगाओ, बचाओ माल और लेके आओ। बाकी फ्यूल स्टेशन पे 5 जने कैसे खड़े हुए भाई, काम धंधा, अरे काम धंधा बंद पड़ा है, पता नहीं कौन। और मेरे पास रूम खाली है भी की नहीं, मैंने आते ही बनाना कैसे चालू कर दिया। अरे मैं आधे अधूरे काम करता हूँ। रेस्टिंग पे कौन है, पे करो, सबको पे कर दूंगा मैं, लो नॉट इनफ मनी। अरे गैस स्टेशन जा, तू गैस स्टेशन जा पहले, ठीक है तू कैशियर का कैशियर, ये बंद तो रखिए बट कोई काम तो कर। इसको भी भेजो गैस स्टेशन पे, ठीक है। उसके बाद एक वेयर हाउस पे लगा हुआ है, तू बन जा कैशियर। चलो अब मैं देख लेता हूँ जरा क्या हाल है सबके। ओके यहाँ पे दोनों जगह लोग बाग आ गए हैं, भीड़ बहुत लग रखी है, तो बढ़िया काम भी बढ़िया होगा। अब मैं थोड़ा पैसा कलेक्ट कर लूँ। हटना सर, अरे सर जी हटो भाई, 2000 रुपए, वो भी एक झटके में। और यहाँ पे कैशियर लगाया तो कहाँ गया वो कैशियर, हेलो चचा, वेयर हाउस में नहीं तुम, अरे कैशियर बनो ना चुपचाप जाके। हाँ और अब 2 जने हटा देता हूँ, एक को मैं किस पे लगाऊं बताओ, वेयर हाउस पे लगा देता हूँ इस लड़की को अभी, ठीक है। अभी मुझे और जगह से भी पैसा कलेक्ट करना है, जैसे कि एक हो गया गैस स्टेशन, 1115 रुपए। और यहाँ पे 700 रुपए, लेट्स गो। यहाँ पे कितने रुपए हुए, 200 रुपए। और यहाँ हुए 206 रुपए। भाई मजा आ गया, मजा आ गई जोर से। 4500 रुपए हो गए मेरे पास। अब मैं अपना भाई सामान मंगवा लेता हूँ, एक और रूम रेडी हो जाएगा, तगड़ा सा लगेगा भाई, क्योंकि मैंने अंदर इंटीरियर के लिए कुछ नहीं मंगवाया, बस जो वॉल वगैरह ना पेंट्स वगैरह लगने वाले थे वो सब मंगा के मैंने जरूर रख लिए थे। बाकी एक बात तब है मेरे पास जो कि मैं लगाऊंगा नहीं, बहुत छोटा सा है। और ये सारा आइटम यहाँ रखो, ये है मेरे पास सीलिंग के लिए, तो सीलिंग सबसे पहले जाएंगे इसके अंदर। और अच्छा नहीं सीलिंग नहीं है, वॉल ये लगाओ वॉल यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद और कुछ अलग वॉल्स मंगाई थी क्या मैंने, ये सीलिंग है, सीलिंग लगाते हैं अंदर। इस वाले वॉल को अलग कर सकते हैं, बताओ क्या कहते हो, इस वाले वॉल को अलग करा जाए। बाकियों को तो मैं ये वाला रखने वाला हूँ, कहाँ गया, खत्म हो गया, यहाँ लगाओ, यहाँ लगा दिया। अब मैं देख के आता हूँ मेरे पास और कुछ पड़ी है क्या वॉल्स के लिए सामान वगैरह, यहाँ देखो। ओके ये है, ये है, ये है, ये है, यार ज्यादा मजेदार चीज नहीं है। और उई हाँ ये देखना था मेरे को रूम कौन कौन से खाली है मेरे, रुक जाओ। एक रूम खाली है, रूम नंबर 2 खाली है और रूम नंबर 5 खाली है, जो कि प्रॉपर रेडी नहीं है, ठीक है। 5 वाले रूम को रेडी करना है, सिंगल लोगों को भगाओ, जोर से भगाओ। देखो जितनी जोर से मैं भगा सकता हूँ ना उतनी जोर से भगाऊंगा। वैसे डबल वाला कोई इंसान आ नहीं रहा। हेलो सर, नहीं है, बैठ जाओ, हट जाओ, भग जाओ सारे। यार एक तो बस स्टैंड जब से ऑन किया ना, जब से भीड़ बहुत होती है यहाँ पे। हेलो नहीं है, रूम नंबर नंबर 5 की ये रही और रूम नंबर 2 की ये रही। मेरे पास रूम कौन सा रेडी है इस टाइम? 2 नंबर रूम रेडी है। ठीक है, 2 रूम नंबर 1 बेडरूम नहीं है मेरे पास। ऐसे प्राइस में कुछ ज्यादा अंतर है नहीं, तो क्यों ना दे दी जाए। रुक जाओ, कोई ज्यादा देर के लिए अरे नहीं है भाई, 24 आवर्स के लिए नहीं है मेरे पास। आओ आओ जल्दी जल्दी आओ। हेलो सर जी, 72 आवर्स के लिए दे दूं क्या इसको? नहीं, तू जा जल्दी जल्दी आओ। तुम लोग बिस्तर लाना पड़ेगा क्या मेरे को? मुझे दिखानी पड़ेगी मेरी औकात नहीं है मेरी। ये उठ के भी तो बहुत देर देर में आते हैं। देखो अब आया ये। हेलो दीदी, नहीं ओके। एक और चेकआउट करने आ गया बंदा, रूम नंबर 3 वाला। रूम नंबर 3 और साफ करवाऊं भाई, क्लीनिंग वाला बंदा भी नहीं है मेरे पास। तो गेट खोलो जल्दी जल्दी। ये दे दो टावल। उसके बाद अरे तू यहाँ क्यों खड़ी? अरे यार पता नहीं भाई ये क्या करते रहते हैं लोग बाग। इन टावलों को सबसे पहले तो इसके अंदर डालो। इसमें धुल गए के कपड़े, ठीक है ये धुल गए कपड़े। भाई तुझे क्या हुआ है? अरे ये इसमें फंसी पड़ी थी, ये औरत इसमें फंसी पड़ी थी पता नहीं कब से, और पैसे ले रही होगी धनाधन। वाह हालांकि इनकी गिलिचे हैं क्या है? क्या चाहिए तेरे को? चेकआउट लो, सब चेकआउट हो गए। तू एक्सपेंसिव, चलती बन सीधी देख यहाँ गाड़ी रखी है तेरी, वहाँ तक जा सीधा। तू एक्सपेंसिव बोलती बता। सबको भगा दिया भाई, मैंने सबको भगा दिया। मैं सारे रूम रेडी करूंगा उसके बाद देखूंगा क्या करना है क्या नहीं। खोलो दरवाजा। एक ये लिया, इसके बाद ये लिया। इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज देता हूँ भाई इन लोगों को मैं, जीवन में इनको कोई देखे नहीं जाएगा, फिर भी बोलते टू एक्सपेंसिव। कोई बात है। चलो भाई अभी मेरा रूम नंबर खाली है 1, 2, 3 और 5। 4 खाली नहीं है, ठीक है 4 भी खाली हो जाए तो मजा आ जाए। मैं सब में झाड़ू लगा देता हूँ पहले। और अब मैं रखने वाला हूँ भाई एक हाउस कीपिंग वाला बंदा, जो कि अंदर शैम्पू वगैरह रख के जाएगा शायद। रुक जाओ देखने दो। मैनेजमेंट में चलो, स्टाफ में चलो, और इस रेस्टिंग पे ना, क्लीनिंग नहीं हाउस कीपिंग पे रखते हैं और भाई देखते हैं क्या करता है। रुक जा, इधर ओए पुलिस तेरी साड़े निकालो बंदूक। पुलिस वही रहने आ रहा है ये पुलिस वाला। क्या कर रहा तू? क्या चाहिए? ओहो सीट देख के बैठा। 2 बेडरूम। रुक रूम नंबर 2 रेडी है। डबल बेडरूम के लिए रूम नंबर 2 रेडी है। 2 ले जा। अरे फेंक दी की मैंने। ये ले रूम नंबर 2 ले। टेक दिस रूम, टेक द पेमेंट। नेक्स्ट आओ फटाफट से पहले मैं रूम रेडी कर देता हूँ। बेडशीट दो मेरे को एक, उसके बाद ब्लैंकेट दो एक, टॉयलेट पेपर दो। यार हाउसकीपिंग वाला बंदा क्या कर रहा है ये बताओ मेरे को पहले। बाकी सब चीजें तो कहीं भाड़ में। हाउसकीपिंग वाला बंदा कहाँ है? ये रहा भाई, अभी काम करता ही नहीं है मेरे यहाँ पे हाउसकीपिंग वाला। यार कोई मुझे समझ में ही नहीं आती। मैंने पहले भी रखा था हाउसकीपिंग वाला बंदा बट वो काम ही नहीं करता है। और तुम लोगों ने बताया था कि मैं अपनी शॉप से ही खाना खा सकता हूँ खुद ही। बहुत तगड़ा काम है भाई ये, जॉब भी रखाऊंगा। देखो इसको लगा रखा है बट ये क्या करता है भाई, तुम लोग कमेंट्स में बता सकते हो मेरे को। हाउसकीपिंग वाला बंदा क्या कर रहा है? रेस्टिंग पे डालो भाई। मेरे यहाँ पे वो करता ही नहीं है हाउसकीपिंग का काम कोई। स्टाफ में चलो, हायरिंग में चलो, कोई नया बंदा हायर करता हूँ क्या पता वो करे। प्राइस इसको लगाऊं क्या? हाउसकीपिंग पे लगा तो दिया है, अब देखते हैं क्या कर रहा है ये। पहले तो खाना खाओ भाई एनर्जी के लिए। अब तुम लोगों ने कही है कि मैं दुकान से खा सकता हूँ इसलिए खा रहा हूँ, वैसे अपनी दुकान से मैं खाता नहीं। अरे दुकान गाइस 2 मिनट भाई, रेस्ट इन पीस हो जाऊंगा मैं अभी कुछ देर में। कोई भी काम ढंग से चल नहीं रहा है मेरा। स्टाफ में जाओ, जो कैशियर लगा हुआ है उसको डालो रेस्टिंग पे। हाउसकीपिंग वाला पता नहीं क्या कर रहा है। बाकी 1 बेडरूम है मेरे पास। होल्ड ऑन भाई, टॉयलेट्री वगैरह खूब रखी हुई है। मेरे को नहीं समझ में आ रही, मेरा काम बंदा काम नहीं कर रहा है बस। रुक जाओ भाई, एक एक चीजें बंद करनी पड़ेगी। पहले मेरे को शॉप बंद करता हूँ, ठीक है मोटेल को भी बंद करता हूँ और गैस स्टेशन चलने देता हूँ। भाई तुम सब निकलो, करो ऐस तैस कराओ मेरी, मेरे को नहीं पता ठीक है। सॉरी नहीं है रूम मेरे पास, सॉरी बिल्कुल जोर से सॉरी। मैं सोऊंगा पहले, मेरे को सोना है। सारे काम गए भाड़ में। पेट्रोल है कि नहीं ये और देख लूँ मैं, वरना पेट्रोल पंप भी बंद करूँ। 300 लीटर पड़ा है पेट्रोल तो। और यहाँ पे औरत काम कर रही है नहीं कर रही है औरत यहाँ की? ये अच्छा ठीक है, कोई आया नहीं है ना इसलिए नहीं काम कर रही है अभी। थोड़ी देर में आ जाएगा कोई पेट्रोल पंप पे तो काम करने लगेगी। बाकी ऑफिस पे खड़े रहने दो भाई लोगों को, मुझे नहीं फर्क पड़ता। बस 2 बेडरूम वाले हो तो मैं दे देता, लेकिन सो पहले खाना ही नहीं है शॉप में, बताओ कहाँ से खाऊं। चलो भाई अभी नींद हो गई है पूरी और अभी हो रखा है दिन। अब करेंगे अपना काम, ठीक है अब आएगा मजा। हाउसकीपिंग का काम सारा मुझे करना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं कर लेंगे। बुक करना ही नहीं आ रहा है तो मेरे को समझ में नहीं आ रही क्यों नहीं करने आ रहा है। चलो भाई सारी टॉयलेटरी मैंने रख दी है, ये लास्ट बच रहा था। रूम नंबर 1 मेरे जहाँ तक रेडी हो गया है। किसी को एक रूम चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। हाँ रुक होल्ड ऑन रूम नंबर 1 ले लेता हूँ, देख रहे थे पहले रेडी हुआ कि नहीं रूम। हाँ रेडी है, ले ले टेक दिस रूम। दीदी आपको क्या? अरे दीदी जूत खा के माने। चलो ये रूम रेंट पे चढ़ गया, ये रूम रेंट पे चढ़ गया। अभी ये रूम देखना है, उसके बाद शॉप के आइटम्स मंगाने मेरे को। हेलो सर क्या चाहिए आपको? नहीं वेयर हाउस पे कोई लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। रुक जा स्टाफ में चल, तू जा वेयर हाउस, ठीक है। और मुझे देखने दे वेयर हाउस पे क्या चल रहा है। वेयर हाउस पे है भी कि नहीं है शॉप का सामान? शॉप का सामान नहीं है बिल्कुल भी। ओके फिर ये लेके ओ चश्मा लेके गया, ठीक है मतलब यार मेरा हाउसकीपिंग वाला लौंडा काम क्यों नहीं कर रहा है यार। हाउसकीपिंग वाले काम करना है यार भाई, देख मैं फायर वायर कर दूंगा देख, फालतू में मतलब नहीं है कोई पैसा और नहीं दूंगा पूरा भाई। ये है ठीक है। अबे बेबे क्या भाई, ये रखी रैक, इसमें से ऐसे सामान उठाना है और वहां रख के आना है। कहाँ है वो आदमी? उसको हाथ में पकड़ा के आऊँ क्या? क्या चाह रहा है? कहाँ हाउसकीपिंग वाला है? कहाँ हाउसकीपिंग? ओए करने लग गया क्या काम? एक सेकंड करने लगा क्या काम? अबे गायब क्यों हो गया? वो है ही नहीं, हाउसकीपिंग वाला बंदा ही नहीं है। ये तो वेयर हाउस वाला बंदा रह गया, ठीक है। ये पेट्रोल पंप वाला रह गया, ये इधर से उधर भाग भाई। अब ये क्यों? ये मुझे बताओ ये क्यों? क्या सीन, क्या चक्कर क्या है? यही तो कह रहा हूँ भाई, काम नहीं कर रहा हाउसकीपिंग वाला। चलो अब और तो क्या ही कर सकता हूँ मैं, शॉप के आइटम्स मंगा देता हूँ, जितने जमा रहा है उतने जमा देगा। जमा भी रहा है कि नहीं जमा रहा? देखो 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 कचरा देखो। तुम तो यहाँ पे लोग कचरा फेंकने ज्यादा आते हैं खरीदने से। चलो फिलहाल मैंने साफ सफाई कर दी है। इसको उठाओ, इसको डालो यहाँ पे, और ये आसमान में को टिका हुआ है तो इसमें जाओ। अभी चलते है रूम नंबर 3 में और इसमें बिछाते हैं बेडशीट। एक और बेडशीट बिछानी है, ये बिछाना है, और इसके बाद टॉवल एक रखा हुआ है, एक टॉवल और रखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद टॉयलेट पेपर रखना है एक, और कुछ टॉयलेटरी रखनी है। 1 2 3 4 5 चलो भाई 7 टॉयलेटरी रख दी है। ये सब कुछ सही है, यहाँ पे सही है। ये रूम मेरे जहाँ तक रेडी हो गया है, रूम नंबर 3। रूम में चलो हाँ 3 रेडी है। हाँ सर आपको क्या चाहिए? चेकआउट कराने आते जा रहे हैं लोग बाग। रूम नंबर 4 भी खाली हो गया है लोग, लेकिन रूम नंबर 3 रेडी हो गया है, ठीक है। इसका रूम बंद करता हूँ मैं, बाकी जो रूम रेडी नहीं है उनके गेट खुले रखो। हाँ अभी इसमें एक ही बेड है। वो ये रूम तो है ही घटिया सा, कोई बात नहीं भाई, उसको एक जने को दे देंगे। पहले मैं कचरा वचरा इसमें फेंक देता हूँ। चलो धो दे इसको, धो दे तू। बाकी इसमें से रुक जा मैं धोना, बड़ी मशीन है। मेरे यहाँ पे चोरी हुई क्या अभी? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मेरे यहाँ पे चोरी हुई? अरे चाचा काम, भाई यहाँ यूँ खड़ा क्यों है? देखना कैसे भाग रहा, देखना। ओ भाई काम चोरी कर रहे हैं लोग, काम चोरी कर रहे हैं ये लोग। इसको भरो, इसको चालू करो। और भाई अब इसको पेट्रोल को तेज भी भर सकते हैं। ये देखो किस तरीके से तेज भर रहा है। मेरे समय पे नहीं था ऐसा, मेरे जहाँ तक। चल अरे दे दे भाई, ज्यादा भर दिया। मेरे को निकालना क्यों नहीं आ रहा? ओह भाई 15 पेट्रोल भर दिया, मेरे को निकालना ही नहीं आया, मैं भूल गया था भाई। वो क्या नौकर वोकर लगा दिया ना मैंने काम पे, थोड़ा बड़ा हो गया सिस्टम, बड़ा हो गया मेरा, ऐसे ही थोड़ी है। लाओ भाई सबसे पहले चलो डिलीवरी में, और मैं मंगा रहा हूँ 2-2 सारे, जिसपे ग्रीन चल रहा है ना वो 2-2 मंगा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी शॉप भाई बंद पड़ी है बहुत दिनों से। 1 2 3 4 5 6 सॉफ्ट ड्रिंक्स में चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 30। ओए कोई आ रहा, कोई आया। यहीं से आता है वो। भैया मैं मालिक हूँ, भैया मालिक हूँ मैं। बड़ा सुनता पुनता नहीं है, क्या आदमी है भाई, क्या आदमी है। चलो उबाल देते हैं इस आदमी को भी। बाकी भाई तुम यहाँ तक ही पहुँच पाए हो, बहुत बढ़िया। पैसा पूरा ले रहे हो तुम, पहुँच यहीं तक पाए हो तुम। क्या पता भाई स्टाफ का क्या सीन है भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं क्या पागलपंती करते रहते हैं स्टाफ। शॉप रेटिंग पता नहीं कैसी प्लस हो रही है, अच्छा गैस स्टेशन की वजह से। भाई तेरा क्या दिक्कत? देखना यहाँ से चलता हो जाएगा। रुक जाओ भाई, अभी कोई सामान है भी नहीं मेरे उसके अंदर वेयर हाउस में। स्टाफ को करो रेस्टिंग फेज पे, ठीक है। हट जा, मैं ये कर रहा था, कहाँ तक पहुँचा था मैं। चोर पहले आ जाएंगे, चल नहीं रहा धंधा, चोर आ जाएंगे पहले। चलो भाई सारा आइटम और एड तो मैंने कर लिया है लगभग। न्यूज़पेपर वगैरह भी मंगा लूं क्या? मंगा ही लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 5200 का आइटम हो गया। रुक जाओ बस 5700 का होने से पहले रोकना है मुझे। 800 का हो गया, नहीं इसे हटाओ। चलो ये मंगा दो कार्ट में। चलो व्हीकल करो सबसे बड़ा ट्रक, 5500 का आ रहा है, इसको कर दो ऑर्डर। ये शॉप का आइटम ऑर्डर। अब चलो होम पे नहीं, डिलीवरी में फ्यूल में जितना खरीद सकते हैं उतना खरीद देते हैं। 200 रुपए का खरीद सकता हूँ मैं, ऑर्डर कर दिया 200 रुपए का मैंने, ठीक है। अब और पैसा कलेक्ट करके ला दो पहले। हाँ भाई लो फ्यूल हो गया, मुझे पता है, इसलिए मैंने मंगा दिया है, ठीक है। रुक जा 2 मिनट और पैसा कलेक्ट करना है, पैसा दे दो इधर। 500 रुपए होंगे मैंने देखे थे, हाँ 500 रुपए। चलो ठीक है, अभी वापस से मैं पेट्रोल मंगा देता हूँ, और 500 रुपए का पेट्रोल। और ऑलरेडी डिलीवरी, जब तक वो डिलीवरी करने वाला नहीं आएगा जब तक मैं, क्या हो गया तेरे को, पागल वागल सा है क्या? कोई तो रूम खाली करके आया, चेकआउट ले ले। रूम नंबर 1 वापस से चेकआउट हो गया है। कूड़ा फैला के चले जाते हैं मेरे माथे पे। एक क्लीनिंग वाला बंदा रख लेता हूँ, क्लीनिंग तो करेगा कम से कम। भाई साहब आप क्लीनिंग कर दोगे जरा? हमारे यहाँ पे आज जो है बहुत कूड़ा करकट हो रखा है, पूरे शहर में कूड़ा करकट हो रखा है। देखो ये क्लीन बढ़िया कर देगा ये हाँ ये देखो ये कर रहा है सही क्लीन कर रहा है, ये क्लीन तो कर देगा। एक परमानेंट बंदा क्लीनिंग पे रख लिया मैंने, क्लीन करता रहेगा। मैंने कपड़े धोने में डाल दिए। अभी चलता हूँ रूम नंबर 1 वापस से रेडी कर देता हूँ। और भाई ये सब कुछ यूज नहीं करते, अभी यूज नहीं करा इसने बे। ओए कौन है? हट, इतने चाटे मारूंगा। भग जाए यहाँ से, डरा देते हैं भाई। लो मैं टॉवल रख देता हूँ यहाँ पे, वो तो यूज हुआ नहीं है, इसको रखो टॉवल को यहाँ। टॉयलेटरी पूरी पड़ी हुई है, ये कचरा ये साफ नहीं कर रहा है पता नहीं क्यों। बाकी इस तकिए को रखता हूँ मैं ढंग से यहाँ पे, और अब डालते हैं यहाँ पे बेडशीट, उसके बाद ब्लैंकेट, और ये अपना रूम हो गया रेडी। टॉयलेट पेपर खाली, ओके एक टॉयलेट पेपर भी डालना है। ओए गेट, मैं चाटा मार दूंगा चाटा। अब बंद कर। हाँ गेट बंद करके भग गया, डर गया था मैं एक बार के लिए। चलो ये वाला गेट खोलो, यहाँ पूरा रेडी है। रूम नंबर 3 एकदम प्रॉपर रेडी है, ठीक है। 1 और 3 रेडी आईडी है, आ जान दो, जिसको आना आ जान दो। कोई तो आ रखा है, कोई कस्टमर क्यों नहीं आ रखा? अच्छा मोटेल ही बंद कर रखा है ना मैंने, अब ऑन कर देता हूँ मैं। चलो अब मैंने ऑन कर दिया, दो रूम तैयार हो गए मेरे। उसके बाद ये एक और रूम है, इसमें चलो टावल दो एक, तो सबसे पहले टावल को रखूंगा यहाँ पे। उसके बाद एक ब्लैंकेट, एक बेडशीट, और ये डन, क्योंकि इसके अंदर टॉयलेटरी रखनी नहीं है। ओ टॉयलेट पेपर तो रखना पड़ेगा, टॉयलेट पेपर रख दिया। चलो भाई, वो आ रहा है नहीं आ रहा काम करने वाला लौंडा? क्या कर रहा है तू यार? वहाँ सफाई मत करे, पहले वहाँ कर ले यार, घर पे कर ले पहले। वो देने हैं मुझे किराए से चढ़ाने, और वेयर हाउस पे मेरी डिलीवरी आई कि नहीं आई? 11 बजे आएगी, ठीक है ओके। डिलीवरी आ गई गाइस। अभी 11 बजे कहाँ है अभी? लेकिन 10 बजे डिलीवरी आ गई। अच्छा घूम के लगाएगा जब तक 11 हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सर आप वहाँ मत जाइए, आपको 1 बेडरूम चाहिए मुझे पता है, और वो मेरे पास है रूम नंबर 1। ये लो रूम नंबर 1 रखो यहाँ पे, ये लो सर टेक दिस रूम। ये देख, ये देख, कद्दू कद्दू से लोग आते हैं भाई, कद्दू 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 खा के फेंक जाते हैं। अभी ओ इसने चमका दिया ये रूम, ठीक है सही है। रूम नंबर 3 भी रेडी हो गया है, 3 नहीं 4। अभी 5th वाला रेडी कर दूं मैं जरा। 5th में ब्लैंकेट बिछी हुई है, बेडशीट बिछा देता हूँ मैं, और ब्लैंकेट मेरे पास ब्राउन वाली थी नहीं इसलिए मैंने व्हाइट ही बिछा दी। कोई बात नहीं, मुझे किराए पे चढ़ाना है रूम, पैसा चाहिए पहले मेरे को। टॉयलेट पेपर रखो यहाँ पे, टावल एक रखा हुआ है, ठीक है एक और टावल दे, इस पे टांग दे। एम्प्लॉय स्टॉप्ड वर्किंग, पता नहीं कौन सा एम्प्लॉय स्टॉप कर दिया काम करना। आ रहा हूँ सर, आ गया, सबके पास आ रहा हूँ, एक एक करके सबके पास आ रहा हूँ। स्टाफ में कौन सा है? सब रेस्टिंग पे है, सभी रेस्टिंग पे भाई। तू जा गैस स्टेशन। अच्छा क्लीनिंग पे था ना तू, तो तू क्लीनिंग पे लगा रहे। तू जा गैस स्टेशन, तुझे कर दिया मैंने पे, ठीक है। उसके बाद गैस स्टेशन पे, ठीक है बस 2 चीज चाहिए, हो गया मेरा काम। हाँ दीदी आपको क्या चाहिए? 2 बेडरूम, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। रूम नंबर 3 आपके लिए हाजिर है, टेक दिस रूम। विज्ञान रूम नंबर 3 भी। अभी रूम नंबर 4 बचा है सिंगल लोगों के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं बिछा रहा था, हाँ टॉयलेट 2 भाई, 1 2। अब ये रूम नंबर 5 भी रेडी है, 5 वाला कोई लेने आया हो डबल बेडरूम तो वो दे दूंगा मैं। हेलो सर 1 बेडरूम चाहिए, होल्ड ऑन। रूम नंबर 4 आपके लिए रेडी है, टेक दिस रूम, टेक द पेमेंट। चलो धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे यहाँ पधारने के लिए। अगला कौन सा बंदा है भाई तू बता? 2 बेडरूम ओके, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। बस इसी तरीके से मुंडी हिलाती रहे, 2 मिनट पे दे रहा हूँ। ये ले टेक दिस रूम, टेक द पेमेंट। चलो सारे रूम बेच दिए मैंने, सारे रूम बेच दिए भाई, सारे रूम बेच दिए। लाओ ये मेरे पास वॉलपेपर पड़ा है ना, रुक जाओ वॉलपेपर लगा दो इधर। ये वॉलपेपर लगाऊंगा पूरे। अच्छा लग रहा है क्या? ये लाइट सी नहीं है अभी, अच्छा लगे ना लगे मेरे को लगा दो पहले। अबे ये तो वॉलपेपर ही खत्म हो गया मेरे पे। अरे लो बात, आधी चीजें तो मैं ऐसे बर्बाद कर देता हूँ। हेलो सर, हेलो दीदी, सॉरी दीदी, दीदी होटल हो गया है बंद, ठीक है। गैस स्टेशन का सामान आ गया ना, कोई उतार क्यों नहीं रहा है? एक सेकंड रुको, मैनेजमेंट में चलो, स्टाफ में चलो, पे करो पे करो पे करो, ठीक है सब जाओ वेयर हाउस में। चलो 3 जने लगा दिए वेयर हाउस में मैंने, है ना, और मैं खुद भी वेयर हाउस में काम करूंगा जिससे कि थोड़ा जल्दी हो जाए काम। ये उतारते बहुत धीरे धीरे, मैं एक साथ सारा सामान उतार के अंदर जमा दूंगा, फिर इनका काम रह जाएगा शॉप पे जमाना सारा काम, तो शॉप पे जमाएंगे। ये देखना, ये देखना भाई, एक एक करके लेके जाते सामान, मेरी तरह लाया करो। मेरे से देख के कुछ नहीं सीख रहे भाई ये लोग, कुछ सीख ही नहीं रहे मेरे से देख। कैसे बनोगे बड़े मालिक? बड़े मालिक बनना ही नहीं इनको जीवन में, हमेशा नट्टू का बाग ही रहेंगे। लो फ्यूल हो गया है, वापस से फ्यूल भी मंगाना है, लेकिन फिलहाल ओ फिलहाल खूब पैसा है भाई। अच्छा हाँ इतने सारे रूम तो बेच के आया मैं, पैसा क्यों नहीं होगा मेरे पास? रुक जाओ ये तो उतारते रहेंगे, पहले मैं जो है फ्यूल बर्बाद हूँ जरा, रुक टंकी करनी है मुझे फुल। डिलीवरी में चलो, फ्यूल में चलो, ये करी मैंने, ऑर्डर कर दी। चलो और यहाँ पे मोटेल पे कोई है नहीं, मोटेल का कोई रूम भी खाली नहीं हुआ है अभी। 6th और 7th वाला रूम भाई आज के दिन में बना के रहूंगा, देखते जाओ बस तुम, क्योंकि मुझे ना बहुत सारा सामान रेंट पे चढ़ाना है, बहुत सारा पैसा चाहिए, एक बड़ा प्रोजेक्ट चालू करूंगा, देखो देखते जाओ क्या करूंगा मैं। अबे भूत से है भाई मेरे यहाँ पे, वो देख देख देख, अरे कैसे कैसे लोग है भाई, कैसे कैसे लोग है। चलो भाई अभी के लिए मैंने ट्रक तो खाली कर दिया, तू जा यहाँ से, ठीक है क्या समझा? फिनिश डिलीवरी, निकल तू यहाँ से। अभी ये लोग बस जमा दे, वेयर हाउस में मैंने 3 जने लगा रखे हैं, फटाफट फटाफट शॉप जमाओ भाई, पूरी शॉप मुझे कुछ जमी हुई चाहिए। और हाँ अभी तो एक और जगह है गाइस पैसा लाने की, ये तो मैं भूल ही गया, रुक जाओ जरा रुक जाओ। ये देखो एड्स, ओके 15 रुपए बन रहे हैं यहाँ पे, मैं ले लेता हूँ। और एक सबसे सस्ता एड 18 दो मुझे, 20 रुपए ना रिमूव एड, ओके 65 का एक एड मिल रहा है मेरे को, इसे प्लेस करो। उसके बाद ये एक 55, एक 40 का भी है भाई, रिमूव करो, प्लेस एन एड 65 का। उसके बाद ये 42 का रिमूव करो, ये है मेरे पास, वो चला ही गया। यूट्यूब वालों ने भी एड दे रखा है देख रहे हो तुम, ओके ये 75 का है भाई, ये तो एड करो, 55 रुपए के भी है, और ये डेली रेवेन्यू 27 ही है इसके अंदर। क्यों भाई? अभी तो ये ज्यादा का था ना, ये भी 30 का हो गया, अब ये घटते कैसे जा रहे हैं पैसे? अरे भाई ये उस हिसाब से देता होगा पैसे, क्या कहते हैं अपने होटल के हिसाब से, उसमें लिखे हुए मैक्सिमम आते होंगे और होटल के हिसाब से पैसे देता होगा, ठीक है ठीक है। मैं फालतू में हटाता हूँ फिर तो। चलो 3 एड नए आए हैं, इनको लगवाते हैं कहीं ना। एक एड यहाँ से हट गया, एक एड लगाओ यहाँ पे, उसके बाद एक एड लगाते हैं यहाँ पे और एक एड लगाते हैं यहाँ। चलो ओ कौन से बर्गर का है? बर्गर प्रिंस, वाह बर्गर प्रिंस ही था ना। चल भाई अभी सब कुछ हो गया ना, एक बार रुको मेरे को एड्स में देख लेने दो, कोई ओवरले वगैरह नहीं आ रहा, ठीक है रेडी 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 रेडी। चलो बाकी भाई मैं ये ट्रक वगैरह खरीद सकता हूँ, फिर मेरे को डिलीवरी चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, बट अभी इतना पैसा नहीं है, अभी नहीं खरीद रहा। तुमने भाई वेयर हाउस का काम करना चालू कर रखा है ना, अब मेरे को ये बताओ शॉप कितनी भर गई, शॉप खोल सकता हूँ कि नहीं? ओके शॉप अच्छी खासी भर गई है, शॉप खोल दूं क्या? थोड़ा बहुत पैसा तो आना चालू होगा भाई, मैं शॉप खोल रहा हूँ। शॉप ओपन करो, मैनेजमेंट में चलो, स्टाफ में चलो, एक जना लगाओ कैशियर। ठीक है, रुक जा, पे कर इसको, अब जा तू कैशियर बन जा। ठीक है, और हेलो सर, अरे चेकआउट हो गया रूम नंबर 1। होटल खोलो, की को टांगो यहाँ पे, यही रखे रहने देता हूँ और ये रूम रेडी करता हूँ फटाफट से। चलो ये सारा सामान, डराया मत कर यार, देख मुझे लगा ऐसे कौन भगता हुआ आ रहा है, इसमें चोर वोर भी तो खूब आते हैं इसलिए मैं डर जाता हूँ। इसको करो ऑन। और वॉशिंग मशीन बाहर नहीं रख सकता क्या? इसी में क्यों रख रखी है मैंने? इधर दे, अभी तो मैं ले ही नहीं सकता, प्लग्ड हो रखी है वो। जल्दी खाली करो मेरा वेयर हाउस, जल्दी खाली करो। एक और काम कर सकता हूँ मैं, ज्यादा जने लग सकते हैं क्या वेयर हाउस में? मैनेजमेंट में चलो, स्टाफ में चलो, हायरिंग, हायर, अरे हायर ही नहीं कर सकता। एम्प्लॉइज में कोई फ्री बैठा है? क्लीनर को हटा देता हूँ, वेयर हाउस में चल जाता। अच्छा लगा ही नहीं सकता 3 जनों से ज्यादा। हेलो दीदी आ गई, जल्दी से बेडशीट बिछाओ, उसके बाद ब्लैंकेट बिछाओ, देन टॉयलेट पेपर खाली नहीं करके गया भाई इस बार, वो एक टावल रख देता हूँ। और अब चलते हैं। ओए अबे इतनी भीड़ हो गई, अरे नहीं है भाई, टेक दिस रूम, टेक द पेमेंट, कर दो मोटेल बंद, इतने नहीं है, निकलते चल। भीड़ जमा दी, भीड़ जमा दी, एक सेकंड में नहीं है, भाग जाए यहाँ से। टॉप पे 2 कस्टमर है, पेमेंट हो रहा है ना, अब तो चेकआउट हो रहे हैं ना भाई अपने आप। हाँ ये बात है ना, सही है, सब कुछ सही है। और यहाँ पे कोई पेट्रोल भराने आ गया, पेट्रोल भराने भी आ गया। चलो भाई मैं कल के दिन सो गया था, अब आज के दिन मेरे को मंगाना है अपने 2 नए रूमों के लिए बहुत सारा सामान। और वो देखो अब तुम क्या मंगाता हूँ मैं। और कुछ नए बेड्स आए हैं भाई इसके अंदर, ये देखो ये वाले बेड्स पहले नहीं थे शायद, क्या पता, लेकिन मुझे तो बड़ा बेड मंगाना है और बड़े बेड में कोई नया बेड आया ही नहीं है। ये वाला मंगा लूं क्या इस बार? ये वाले 2 बेड मंगाता हूँ। ठीक है, उसके बाद बेडशीट्स में कुछ डिफरेंट डालेंगे भाई, ये वाली बेडशीट डालते हैं 2, 4 ब्लैंकेट्स के अंदर मुझे चाहिए ये वाले। ये वाले ब्लैंकेट अच्छे हैं, नए ब्लैंकेट आए हैं ये, 1, 2, 3, 4 पिलो मेरे को दो, तुम नॉर्मल वाइट दे दो, 1, 2, 3, 4। डोर में चलते हैं, या डोर वगैरह तो सेम ही रखेंगे, बाहर का लुक है ना प्रॉपर सेम रखेंगे। डोर है अपनी वुडन, अरे यार अपने डोर पहले भी अलग अलग लगा रखे हैं। ठीक है, डोर अलग लगा रखे हैं तो यही वाले लगा देते हैं। और अंदर नॉर्मल वाइट 1, 2। ठीक है, उसके बाद सीलिंग लैंप्स चाहिए मेरे को कुछ बढ़िया बढ़िया, 1, 2, 3, 4 और बीच में लग जाएगी एक ये वाली लैंप। ठीक है, बाथ टब में चलो, बाथ टब चाहिए बड़ा सारा, 1, 2। सिंक में चलते हैं, सिंक दे दो डबल वाली, टावल तो ये वाले पड़े हैं बहुत सारे। ठीक है, टॉयलेट्स में चलते हैं, टॉयलेट सीट्स मेरे को चाहिए ये वाली 2, देन टॉयलेट पेपर पड़े हैं मेरे पास, हीटर दो, हीटर ये वाले लगा देता हूँ मैं, इसमें ज्यादा बोनस मिल रहा है बट यार कलर बढ़िया नहीं है। बाकी एक बाथरूम कर्टेन ये वाले 2 ले लो, और गेट के कर्टेन ये वाले हो जाएंगे। सीट्स फिलहाल नहीं मंगा रहा मैं, रूम लैंप्स नहीं मंगा रहा हूँ, टेबल नहीं मंगा रहा हूँ, नॉर्मल जितने में रूम रेडी हो जाता है ना वो सारी चीजें मंगा रहा हूँ। अभी एसी मंगवा लेता हूँ 1, 2 और 2 आउटडोर यूनिट। क्या बस कारपेट्स के अंदर मुझे 2, ये वाली सही लग रही है, ये वाली लेते हैं 2। होल्डर हीटर दे दो, बाथ हीटर दे दो 2 महंगे वाले। उसके बाद क्लोथ हैंगर 2 दे दो, 2 टॉयलेट पेपर होल्डर और 1, 2, 3, 4 टॉवल होल्डर, 1 बुक शेल्फ। चलो कितने का आ रहा है? 2600 का बिल हो रहा है। हेलो दीदी क्या चाहिए आपको? चेकआउट। ठीक है, रूम नंबर 2 वापिस से रेडी कर देता हूँ फटाफट, लेट्स गो, भागो जोर से भागो, सामान मंगाना है। थोड़ा बहुत पैसा कलेक्ट करके लाता हूँ, 3000 रुपए होते ही सामान मंगा दूंगा मैं। अरे यार ये सामान हटा दो यहाँ से प्लीज। चलो इसको चालू कर, इसको कर दो चालू, इसमें से सामान निकालो। और अब चलते हैं वापस से थोड़ा पैसा वसूली करने, पैसा वसूली, ओए पैसा दे दे मेरे को, पैसा कलेक्ट करा तूने। ओके 500 रुपए यहाँ से आ गए हैं, 399 ये रहे और 200 ये। बाकी तुम लोग यार बातचीत कम कर रहे हो हैं, बातचीत थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ा बहुत रिचार्ज महंगे करने पड़ेंगे मेरे को। लाओ भाई पैसा मैं कलेक्ट करके ले आया हूँ। डिलीवरी में चलो, कार्ट में चलो, इसको करो बड़ी वाली वेन ट्रक। और अरे यार ये गलत बात नहीं है क्या भाई? बड़ा ट्रक लाओ मेरे को, बड़ा ट्रक ला के दो कोई और, 2 बेड हटा दूं तो आ रहा है। ठीक है, ऑर्डर करो सामान, ये ऑर्डर कर दिया मैंने। उसके बाद मेरे को जाना है डिलीवरी में, वापस से बेड ऐड करो, ये वाले बिस्तर देना। हाँ 1, 2 इसमें आएगा, ये ट्रक में आ जाएगा, आ रहा है बिग बेन में, नहीं आ रहा, ट्रक में ऑर्डर करो। व्हीकल ऑलरेडी डिलीवरिंग, अरे तो मेरी गलती है क्या? 2 लेके आओ भाई, चिट कर देते हैं लोग, गंदे लोग हैं। बिग वेन तो कान ट्रांसपोर्ट इन करंट व्हीकल एम्प्टी कार्ट, क्यों भाई? मुझे तो चाहिए, फिट हो तो छोड़ो भाई छोड़ो, पहले एक ऑर्डर आ जान दो, उसके बाद दूसरा ऑर्डर मंगाएंगे अब, और कोई ऑप्शन नहीं। बाकी रूम रेडी है कि नहीं? अरे रूम रेडी नहीं, पहले अपना मोटेल ओपन कर देता हूँ, उसके बाद रेडी करूंगा जिससे लोग बाग आ जाएंगे। ये ब्लैंकेट बिछा दी, ये बेडशीट बिछा दी, उसके बाद अंदर ओ टॉयलेटरी सारी खत्म कर दी, साला कौन लेके गया रे? चुरा के लेके गया कोई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 भाई बहुत सारी रख दी, बहुत इतना। डबल बेडरूम है तो अरे ये नहीं हटाना था, ये इस पे लगाओ टावल, अरे टॉयलेट टावल 2 1 और इसको भी लगाओ इसके ऊपर, अरे एक ही रख सकते हैं क्या? ठीक है, दूसरा टावल इसके ऊपर रख दिया है मैंने। बाकी एक टॉयलेट पेपर को यहाँ रखना है और ये रूम हो गया डन। चलो रूम नंबर 2 है मेरे पास, कोई है क्या? इधर आया कोई? हेलो सर, नहीं है, 1 बेडरूम नहीं है, भाग जाओ यहाँ से, 2 जनों को ही दूंगा मैं, मेरा शौक है बड़ा, करो जो कल। हेलो सर 1 बेडरूम, ओ रुक जाओ, होल्ड ऑन, तुम ये वाला ले लो रूम नंबर 2 92 डेज के लिए ले रहे हो ना, 96 आवर्स के लिए। टेक दिस रूम, टेक द पेमेंट। चल अभी मुझे बताओ यहाँ का क्या खेल चल रहा है। ओ भाई भर दिया, पूरा सामान से भर दिया, ये खेल चल रहा है। ठीक है करते रहो, बस करते रहो तुम। और तू क्या करती है, तू साली खड़ी रहती है बस यहाँ पे, कोई लेने नहीं आता मेरे यहाँ पे सामान। उंगला हो रखा हूँ मैं वैसे। और अंदर कौन फ्री बैठा है, सबको काम में लगा रखा है, देख रहे हो तुम। 6 जने और 6 के 6 फ्री काम में लग रहा है। ये एक फ्री हो गया, साढ़ा एक फ्री हो गया। गंदगी फैलाओ, कोई तो गंदगी फैलाओ कहीं जाके। चलो छोड़ो उसको, मैं कहीं और लगा देता हूँ। स्टाफ में क्लीनिंग वाला है ना, क्लीनिंग वाले को लगाता हूँ मैं। हाउस कीपिंग का काम करते नहीं है। वेयर हाउस में फ्लो रखे हैं, कैश रजिस्टर है नहीं, टेस्टिंग पर डालो भाई। और सबका पेमेंट करूँ, वेयर हाउस वालों को मैं कर देता हूँ पेमेंट। गैस स्टेशन लो, सबका पेमेंट कर दिया, इसका भी कर दिया। अब मेरे पास रह गया टोटल 53 रुपीज। बट मेरी डिलीवरी आन दो, फिर मैं बताता हूँ तुम लोगों को, फोन दो मुझे। चलो भाई, अरे तुम लोग क्यों आ रखे हो। 2 बेडरूम है मेरे पास। 2 बेडरूम है क्या, अभी 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 तो दिया मैंने। मैं सो जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ सारी चीजें सो के। अरे कुछ नहीं है मेरे पास। मोटेल बंद करो, मोटेल बंद करो, लोग बाग भरे आए पड़े। मोटेल करो बंद। और दीदी क्या चाहिए आपको, 1 बेडरूम नहीं है मेरे पास। कचरा वचरा साफ करो। और अब मेरी डिलीवरी आ चुकी है और ये लोग फिर खाली करने में लग गए। तुम पागल वागल हो क्या, ये खाली मत करो यार। अच्छा चलो खाली कर दो ये चीजें ना, जितनी चीजें मैं डायरेक्ट ले जा सकता हूँ उतनी चीजें मैं डायरेक्ट ले जाता हूँ, बाकी चीजें तुम खाली कर दो। ये देखो ये एसी लगेगा इधर है ना, और इसका एसी किधर लगाना है, तो शिट नहीं हो गई थोड़ी सी। इसका एसी ये कौन सा रूम नंबर, ओके ये वाला है रूम है ना, इसका एसी मिरर के बगल में लगा देंगे। उल्टा नहीं लगा दिया, ऐसा लगेगा। और ये भी मैंने उल्टा लगा रखा है, मुझे पता है। इसको लगाओ सीधा। ये एक वॉश बेसिन यहाँ लगाओ। पेंट हो नहीं रखा है, पूरा पेंट करने दो पहले। ये रहा पेंट, ये लगा दिया पेंट, जो कि आधा रह गया। लैंप्स दो मुझे, तो पहले लैंप है क्या, रूम लैंप है, सीलिंग लैंप है, ठीक है ना, ये नहीं ना। एक लगाएंगे इधर, उसके बाद एक लैंप लगाएंगे इधर। और तू यहाँ से निकल, लाइट बंद करो और चलाओ। अभी हो गई ना पूरे में उजाले उजाला। मुझे थोड़ा बहुत पेंट वगैरह चाहिए। इसके अंदर 100 टाइल है ना, रुको ये टाइल है दो। अरे लाइट, ये लाइट चली जाती है, अंदर तो आ रही है लाइट। ये क्या चल रहा है भाई, ये अंदर की साइड ये वाला करने वाला हूँ मैं पेंट, मस्त लगेगा एकदम। साइंटिस्ट वाला रूम है, साइंटिस्ट वाला। और भाई वॉल्स वगैरह की पेंट वापस मंगानी पड़ेगी क्या मेरे को, वॉलपेपर वगैरह। ऐसे मत करो यार, ये सब मुझे दे दो, ये सब मैं ले जाता हूँ। उन्होंने बाथ टब वगैरह सब उतरवा दिए, बताओ अब मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं। ये इधर लगाओ, ये क्या है, अरे ये तो ड्रॉअर है। ये गेट इधर लगाने का नहीं था लेकिन ठीक, ये गेट दो, ये गेट लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला गेट दो, ये गेट लगेगा इसके अंदर यहाँ पे। अभी मेरे पास ये वाली टाइलें और पड़ी है। चलो इसका बाथरूम भी सजा के आए जरा। ये इस बाथरूम में एक तो इस पे लगा दो और एक इस पे लगा दो, ठीक है। अब मेरे पास सीलिंग्स बहुत सारी हो गई, देखो 1 2 3 4। अभी यार ये कितनी सारी सीलिंग मंगा ली फालतू में मैंने, अगले रूम में काम आएगी। अब चल भाई तेरा काम हो गया ना, तू निकलना। अरे तेरे को बताना क्यों पड़ता है कि तेरा काम हो गया है, तुझे पता नहीं। अरे 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 वेयर हाउस अपग्रेड करना है मेरे को। वेयर हाउस अपग्रेड करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए, नहीं करना मुझे अपग्रेड। सारा पैसा कलेक्ट करवा के भी 500 रुपए बने और 300 रुपए यहाँ से। बताओ कहाँ से लाऊं पैसा, कहाँ से लाऊं पैसा मैं। छोड़ो भाई मैं तो लाता हूँ बाथटब। बाथटब मेरे पास ये वाले 2 हैं, ठीक है। गेट खोलो, इसको लगाओ बाथटब को यहाँ पे, उसके बाद एक बाथटब लगेगा यहाँ पे, ठीक है। एक सिंक दो मेरे को, ये 2 सिंक मंगा ली भाई, एक सिंक पहले से पड़ी हुई थी मेरे पास, कोई बात। एक मुझे टॉयलेट सीट दो जो कि यहाँ लग जाएगी, एक इसके अंदर लगेगी टॉयलेट सीट। इसके अंदर लैंप्स नहीं लगी ना, रूम नंबर 7 में लैंप्स लगाऊं। रुको, लैंप लैंप सीलिंग लैंप, एक लैंप लगेगी यहाँ इस कोने में, एक लैंप लगेगी इस कोने में, ठीक है। और एक ये बड़ी वाली लैंप लगेगी बीचों बीच। चलो सेट है सब। लाइट बंद करो और अच्छा चालू करो। क्या रिंग बन रही है मस्त तगड़ी, इसमें भी रिंग बना सकते हैं अपन। ये वाली लैंप लगेगी बीचो बीच, ये देखो ये यहाँ पे भी रिंग बन गई। अभी वो वाली डिलीवरी जा चुकी है ना, मेरे को 2 बेड मंगाने तो पहले, दोनों रूम के लिए 2 बेड रह रहे हैं मेरे डिलीवरी में। चलो इक्विपमेंट, अच्छा ये एडेड है ना, प्लस कर तू ट्रक में ले आ इसको और ऑर्डर। चलो एड्स को फटाफट फटाफट बिक्री कराओ यार। तुम लोग क्या कर रहे हो, क्यों खाली बैठी है। कस्टमर्स को बोलना कि कस्टमर सर ये खरीदो वो खरीदो। यहाँ पे क्या चल रहा है, ओ भीड़ आ गई भीड़ आ गई, अब आएगा मजा। ये जो भीड़ उतार के जाती है ना भाई, मजा आ जाता है। मैं अंदर जा सकता हूँ क्या, जा नहीं। अरे बंद कर दिया मुंह पे, गेट बंद कर दिया। पेड़ से मेरे दादाजी की शॉप नहीं संभल रही भाई, मुझे यहाँ से लेके चलो। संभल रही है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अब मुझे इसके अंदर यार वो ढूंढना है, कहाँ से ढूंढूं बताओ। पेंट ढूंढना है, ये देखो ये भी सीलिंग है भाई, सीलिंग ज्यादा मंगा रखी है पता नहीं क्यों। ओके एक वॉल मिल गई मेरे को, ये वॉल का माल है, ठीक है। ताकि माल फेंको पीछे, एक वॉल का माल तो मिल गया लेकिन और चाहिए, काम नहीं चलेगा एक। यार तुम ये जमाओ तो जमा दो, देखो मैं मेरा माता हो रहा खराब। ये दो मेरे को, और रुक 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 रुक, कोई पुलिस को पता नहीं पड़ा कि तू यहाँ पे है, तू तो डिस्पोज हो गया ना। चलो अभी कौन से रूम की वॉल रह रही है ये बताओ पहले मेरे को। इस रूम में एक तो फ्लोर रह रहा है, ठीक है। फ्लोर में कहाँ है, अरे यार ये वाला फ्लोर भी तो नहीं है मेरे पास पूरा। ये वाली वॉल जरूर है, इस वॉल को कहाँ लगाऊं। इसके बाथरूम में जगह बच रही है क्या, हाँ बच। इस कोने से लेके इस कोने तक लगाओ, इसको जरा हटाओ, सोलो इसको लगाओ, देन ये फिट करो। चलो, अरे इधर रह गया है, अभी कहीं नहीं जाना, ये भी कम पड़ गया। अब मुझे अगले ऑर्डर में मंगाना पड़ेगा टाइलें, ठीक है। डिलीवरी, डेकोरेशन, पेंट, प्लांट, बिल्ड में फ्लोर, वॉल्स, और वॉल्स भी कुछ अलग अलग आई हैं शायद। नहीं नहीं यार, कोई सी वॉल अलग नहीं आई। नहीं, यही वाली मंगा लेता हूँ मैं तो, 10 पैकेट, ठीक है। और ये दोनों मैं पेंटिंग करने वाला हूँ, जो एक साइड लगेगी ना, एक वॉल जो मैं बनाता हूँ उसके अंदर ये और एक ये भी कुछ नया बनेगा भाई, मस्त लगेगा, ठीक है। ये हो गई टाइलें और सीलिंग मेरे पास पड़ी है। फ्लोर चाहिए मेरे को, है ना। फ्लोर दो मेरे को, ये वाला सही है, फ्लोर दो। ये भी फ्लोर एक में लगाएंगे, ये वाला फ्लोर ऐड करते हैं। ऐड क्यों नहीं हो रहा भाई? ओके, हो गया। सीलिंग मेरे पास खूब सारी पड़ी है, 400 रुपए का माल है, स्मॉल वैन में आ रहा है। लोगों की जगह फास्ट कर दूंगा इसको, चलो ज्यादा रुपए नहीं लग रहे, ऑर्डर करते हैं इसको, ठीक है। और अब मैं जाता हूँ सो। गुड नाइट ही गई, 2-2 डिलीवरी आने वाली है अपने आप, और एक डिलीवरी आ चुकी है, फटाफट से चलो। और दूसरी डिलीवरी भी, अब राह देख के खड़ी है दूसरी डिलीवरी। ओए, कहीं नहीं ले जाना उसको, अरे पागल आदमी, गधे, कहाँ रख दिया इसने, कहाँ रख दिया वो बेड, हग दिया, जोर से हग दिया। वाह, ये बेड भी रख दिया उन लोगों ने। आओ भाई दूसरी, आओ, यहीं से खुलवा दे, गेट खोल। गधे लोग हैं। रुक भाई, अबे वो दूसरी डिलीवरी आ गई है वेयर हाउस पे, और वो लोग काम करना चालू कर देंगे। अब वेयर हाउस से अंदर रख देंगे, वेयर हाउस की जगह रेस्टिंग। हाँ, सबको रेस्टिंग पर डाल दिया वेयर हाउस वालों को मैंने। यहाँ क्यों खड़ा तू साले, जा, रेस्टिंग पर डाल दिया मैंने। तुम हग देते हो थोड़ी देर में, इसलिए मैंने रेस्टिंग पर डाल दिया। भाई इस वेन को डायरेक्ट उठा के वहां नहीं ले जा सकते क्या? अपने रूम के पास में, वहां ले जाना, देखो वहां करनी है डिलीवरी सारी की सारी। वहां फेंक दूं तो कैसा रहेगा सारे? चलो, फेंक के भी जा रहे हैं, पहले फेंक देता हूँ यहाँ से सारे। चलो भाई, मैंने सारा सामान उतरवा दिया, तुम जाओ। अभी मैं ये जो वेयर हाउस वाले लोगों को वापस काम पे लगाऊं। रुको भाई, ये देखो कितना सारा माल आया, रुक जाओ, सेटिंग बाजी हैवी कर दूंगा। स्टाफ में चलो, तू जा वेयर हाउस में, तू भी जा वेयर हाउस में, और तू भी जा वेयर हाउस में। चल, एक लग रखा है कैशियर, एक लग रखा है गैस स्टेशन पे, ठीक है। अभी दीदी आपको क्या चाहिए? चेकआउट, कौन सा रूम चेकआउट हो गया? रूम नंबर 3 चेकआउट हो गया। 1 2 3 4, ये गेट खोलो, ये दो। चलो, एक क्लीनिंग पे भी लगाना पड़ेगा मेरे को बंदा। मैनेजमेंट में चलो, स्टाफ में चलो, रेस्टिंग की जगह तू लग जा, क्लीनिंग पे, ठीक है। और सर आपको क्या चाहिए? चेकआउट। 2 रूम खाली हो गए अपने, मस्त पैसा आएगा अभी देखो। बट अरे, ये धोने करने के लिए कैसे जाना पड़ रहा है मेरे को, जीवन खराब हो गया। चलो भाई, सारा माल इसमें डाल दिया, इसको धोने में चालू कर दिया है। और तुम लोगों से भाई ये जच नहीं रही क्या यार? जल्दी जल्दी करो ये काम। वेयर हाउस से फटाफट सामान यहाँ पे लाके जमाओ, ऐसा चाहिए मुझे बहुत सारा। 390 आ गए। तू क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है? अच्छा, अरे क्लीनिंग वाला लौंडा, इसे भगाओ यहाँ से, भगाओ, रेस्टिंग पे जाता। अच्छा, अरे नहीं, अरे इसको क्लीनिंग पे जान के लगाया था मैंने, इससे होटल साफ कर सके मेरा। ये करा के साफ इसने, ओ कर दिया। ब्लैंकेट में दो, एक ये, एक ब्लैंकेट दो, एक ये वाला, और बेड शीट दो। ओ, ये 4 आ गई भाई। ये बिछाओ, ये बिछाओ, ये बिछाओ, ये बिछाओ। अंदर एक टॉवल पड़ा हुआ है, एक टॉवल और दो। बची टॉयलेटरी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। चलो भाई, टॉयलेटरी भी रख दी है। ये टॉयलेट पेपर, और काम डन हो गया। अभी पेट्रोल खत्म हो गया थोड़ा सा ना, 720 रुपए का पूरा पेट्रोल भरता है। पैसे दो, पहले थोड़े से पैसे दे दो मेरे को। 200 रुपए हो गए ना इसके अंदर, 200 इसमें हो गए, 100 इसमें हो गए। अब तुम लोगों का आएगा पेट्रोल। ये हो गया फ्यूल ऑर्डर, लेट्स गो। दीदी, ओ दीदी ने चेकआउट कर दिया, एक और चेकआउट हो गया अपने यहाँ पे। अब मुझे दो तुम पहले तो ये वाला वॉलपेपर दो, या फिर कोई और वॉलपेपर ले। चलो छोड़ो, वो देखेंगे बाद में, पहले फ्लोर ले लिया मैंने। ये फ्लोर लगाओ पूरा, यहाँ तक फ्लोर हो गया डन। इस पे और साथ ही साथ इसमें भी कर देता हूँ मैं पूरा। ये हो गया फ्लोर यहाँ तक। ये क्या है? ओके, फ्लोर। ये फ्लोर भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, और खत्म। ये वॉलपेपर है भाई, ये देखो मस्त लगेगा, ऑरेंज से वॉलपेपर, कुछ डिफरेंट वॉलपेपर है। फ्लोर और दो, ये रहा फ्लोर। ये पूरे पे लगाया ऐसे, और ये लगाया ऐसे, ये यहाँ। चलो भाई, फ्लोर भी हो गया पूरा। यहाँ पे मैंने बाथरूम में क्या फ्लोर करा? ओ, फ्लोरिंग करी नहीं है बाथरूम के अंदर। भाई बाथरूम में भी सेम फ्लोरिंग कर दूं क्या, या फिर कुछ डिफरेंट करा जाए? भाई बाथरूम में भी मैं सेम फ्लोरिंग कर रहा हूँ। रुक जाओ, फ्लोर कहाँ है मेरे पास? फ्लोर कहाँ गया? ये रहा, इसको करो पूरे पे फ्लोरिंग। और इधर बाथटब रखा हुआ है, इसको उठाओ पहले। ये भी कर दी फ्लोरिंग, एक यहाँ बच गई है, इसको दो, इसको यहाँ लगाओ। और ओ, यहाँ पे वॉल्स भी बची हुई थोड़ी बहुत। इसके अंदर बाथरूम हो गया क्या? ओके, इसमें बाथरूम हो गया। भाई मैं गलत चला गया क्या? ओ हाँ, इसमें करना है ना बाथरूम। एक यहाँ बाथटब उठा के बाहर रखा, इसको उठाया, ये किया, ये करेंगे, वो करेंगे। ओ, उधर वॉल नहीं करी अभी, तो वॉल करेंगे, लाओ वॉल दो। ये हो गई वॉल, और वापस बाथटब उठाना पड़ेगा। ये बची हुई वॉल इधर और बच रही है, इसको भी करो। और अबे खत्म, अरे भाई ये वॉल जल्दी खत्म हो जाती है भाई, इसमें कम आता है, इस पैकेट में माल कम आता है, पक्की बात है, बड़ी जल्दी खत्म होता है ये माल। इसको लगाओ पूरी पे, इसको लगाओ यहाँ तक, बचा ये दो और एक ये एक। ठीक है भाई, हो गया पूरा काम, बाथरूम पूरा बन गया है। अभी ये करना है, चलो और लेके आओ। ये कम पड़ेगी भाई वॉल वाली, अभी भी कम पड़ेगी, 10 पैकेट मंगाए थे, पता नहीं कितने मंगाए थे। इसको बंद कर गेट को, ये लगा यहाँ तक, एक यहाँ, ठीक है ये हो गया। रुक जा, अब वॉलपेपर लगा दे पहले मुझे। ये वॉलपेपर लगा दूं क्या पूरे? अबे अभी ये कैसी शाइन मार रहा है? ठीक है, चमक यार, वो चमक गंदा लग रहा है भाई, ये जो चमक रही है ना ये वॉलपेपर, बहुत गंदी लग रही है, क्या ही बताऊं। देखना ये कैसे चमक रहा है, क्यों लग रहा तेल लगा रखा हो किसी ने भाई। ये चीज बताना, ये हटा दूंगा अगर तुम लोग बोलोगे तो, लेकिन ये कमेंट, रुको, ये अगर मैं लाइट हटा दूं तो यार हट तो जा रहा है। नहीं, रिफ्लेक्शन आ ही रहे हैं, इसके पास लगा देता हूँ। अब आ रहे हैं ये रिफ्लेक्शन, इसको बाहर रखो, लाइट ऑफ ऑन। ओके आ रहा भाई, हल्का हल्का रिफ्लेक्शन आ रहा है। तुम बता देना कमेंट्स में, बता देना अगर हटाना होगा तो मैं हटा दूंगा। अभी के लिए लगाओ यहाँ, ये आ गई अपनी व्हाइट वाली वॉल और इसको लगाओ पूरे पे, यहाँ तक बचा ये और ये। अरे अभी भी बच गया थोड़ा सा। लो भाई वॉल्स तो मेरी पूरी खत्म हो गई है, जितनी मंगाई थी सारी खत्म हो गई मेरे जहाँ तक। चलो एक ये वॉलपेपर बता देना, मैंने मंगा भी बहुत सारा लिया भाई वॉलपेपर, वो होगा भी नहीं जल्दी से खत्म। ठीक है ये पूरा हो गया है, बाथरूम भी पूरा हो गया, बाथरूम में थोड़ा सा ये बच रहा है। चलो बाथरूम पूरा हो गया, अब यहाँ पे लगाना है वॉलपेपर। यहाँ मैं लगाऊंगा थोड़ा सा व्हाइट वाला, एक तो व्हाइट वाला ये है ना। और कौन ये किसने काम करना बंद कर दिया, काम करना बंद मत करो ठीक है, समझ में आ रही है। मैनेजमेंट स्टाफ लो, पैसा ले लो सब, पैसा ही नहीं है मेरे पास ले लिया। वैसे जो स्टॉप हुआ था काम करना उसको मैंने पैसा दे दिया है, बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर मैंने प्राइसिंग सेट नहीं कर रही है कई चीजों की। ओके इसकी बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस 95 चल रहा है, 100 चल रहा है, ठीक है सही है ना। ऑल प्रोडक्ट्स में चलते हैं 90% चल रहा है सब कुछ, ठीक है सही है। और दीदी आप बताओ क्या चीज, चेकआउट ले लो भाई यार, 3-4 चेकआउट हो गए। मॉडल खोलने तो पहले मॉडल ओपन करो, रूम कौन कौन सा रेडी नहीं है। ओके ये रेडी नहीं है, बच्चा ये रूम मैंने रेडी कर दिया था, रूम नंबर 3 डबल बेडरूम है ठीक है। ओके उसके बाद ये रूम रेडी नहीं है, नेक्स्ट रूम नंबर 5 खाली हुआ क्या, ठीक है खाली नहीं हुआ अभी। रूम नंबर 4 रेडी करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, बस ब्लैंकेट सॉरी बेडशीट बिछानी है और एक टॉयलेट पेपर, एक टॉवल एंड डन। ये वाला रूम हो गया पूरा। उसके ये रूम नंबर है 4 को बंद करो, ये रूम नंबर 3 रेडी है। अभी रूम नंबर कौन सा खराब है, 1 बेडशीट 2 ब्लैंकेट, अरे बेडशीट ब्लैंकेट कुछ भी नहीं धुला हुआ क्या, अरे सब यहाँ डाल रखा है। चलो भाई मैंने सब कुछ मशीन में डाल दिया है और फिर से एम्प्लॉय स्टॉप वर्किंग। अरे भाई पैसा नहीं है, थोड़ा सा रुक जाओ ना। लाओ 200 रुपए यहाँ से मिल गए मेरे को, 150 रुपए ये रहे और 100 रुपए रहे। पेट्रोल भराने लोग आ भी इतने धीरे धीरे रहे, वैसे शॉप में लोग बाग बहुत है ठीक है, काम हो जाएगा अपना। और सर आपको क्या चाहिए, 1 बेडरूम होल्ड ऑन, रूम नंबर 4 रेडी है, आप ले जाओ इसको ठीक है। टेक दिस रूम टेक द पेमेंट। चलो नेक्स्ट आओ, रूम नंबर 1 के अंदर बेडशीट बिछानी थी, एक ब्लैंकेट बिछाना था, उसके बाद एक टॉयलेट पेपर, एक टॉवल और कुछ टॉयलेट। चलो भाई ये रूम भी रेडी हो चुका है, रूम नंबर 1 अगर किसी को चाहिए सिंगल बेडरूम तो दे दूंगा। टेक दिस रूम होल्ड ऑन, ये ले टेक दिस रूम। चलो और कौन रह गया भाई, लहराता क्यों आ रहा है। और भाई वर्कर्स ने स्टॉप कर दिया है काम करना, तो उनको थोड़ा बहुत पैसा दे दिया जाए, 300 300 300। चलो एक गैस स्टेशन वाला हट गया, गैस स्टेशन पे लगाओ, बाकी वेयर हाउस वाले हट गए। चलो ठीक है वेयर हाउस पे 3 लग गए, गैस स्टेशन पे लग गया। और भाई अब मेरे को लगाना है इसके अंदर बेड, दोनों में ठीक है बेड आ गए मेरे, तो बेड लगाता हूँ मैं पहले। एक बेड ये प्लेस करो, इसका बेड कहाँ प्लेस करूँ भाई, यहाँ पे रख दूं क्या, यार ये बेड कहाँ अच्छा लगेगा। भाई वॉलपेपर ने बैंड बजवा दी, वॉलपेपर बहुत गंदा लग रहा है मुझे, तो यहाँ पे वॉलपेपर लगाया नहीं, वॉलपेपर देना मेरे को, वॉलपेपर लगाना था मुझे है ना। ये येलो वाला है और इसमें एक लाइट वाला होगा, ये ग्रीन वाला, भाई ग्रीन वाला लगा के देखे क्या, दोनों ही हक दूंगा मैं, दोनों रूम्स में हक दूंगा। वैसे ग्रीन वाला अच्छा लगेगा यार, ग्रीन वाला हगा हुआ नहीं लगेगा। ओ भाई ये शाइन नहीं मार रहा, कितना सही लग रहा है ग्रीन वाला, मैंने हक दिया। ऑरेंज वाला मंगा के सब हक दिया है, ग्रीन वाला बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। चलो भाई ये देखो ग्रीन वाला क्या सही लग रहा है, हट जा भाड़ में गया ऑरेंज वाला। थोड़ा बहुत देखो वेस्टेज होगी जो हो जाएगी, चीज लगनी चाहिए धांसू, इसको हटाओ, ये लगाओ और ये रख दो। चलो भाई डन। अब मुझे चाहिए सबसे पहले यहाँ पे हीटर है ना, हीटर दो, हीटर इसमें प्लेस हो जाएगा। उसके बाद रूम में और क्या होता है, एसी। अरे बेडशीट वगैरह तो बिछाई नहीं बेड पे, एक बेडशीट ये रही, एक बेडशीट ये रही। ब्लैंकेट के अंदर ये वाले ब्लैंकेट मंगाए थे मैंने, ये बिछाओ ये बिछाओ ये बिछाओ ये बिछाओ। ये देखो भाई बेडशीट सही लग रही है ना, मस्त लग रही है बेडशीट मस्त। चलो ये हो गया। इसके बाद हाँ रूम लैंप्स वगैरह कुछ नहीं मंगाया ना, वो मंगाने वो दोबारा में मंगाऊंगा मैं। बाकी इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे यहाँ पे लगाना था शायद इसको, ये देख के आंदो देख के आंदो, रुक जाओ। अरे नहीं इसका तो ये रहा ना, हाँ इसका तो बगल में। ये कबर्ड मंगाई थी मैंने एक, ये वाली, इस कबर्ड को मैं रख देता हूँ यहाँ। वो क्या शाइन मार रहा है, सही लग रहा है भाई ये कबर्ड। एसी दो जरा मेरे को, एसी को लगाना है यहाँ पे, यहाँ एसी काम करेगा बढ़िया। उसके बाद एक डोर भी होना चाहिए मेरे पास, ये रहा डोर, डन। गेट खोलो, यहाँ के लिए भी एक हीटर दो और कुछ एसेसरीज, एक बेड, टॉवल कहाँ गई ये, सॉरी एक बेडशीट, ये दूसरी बेडशीट, इसको बिछाओ इसको बिछाओ, ब्लैंकेट एक और ब्लैंकेट, पिलो पिलो ये रहे। ओ व्हाइट पिलो सही लगेंगे इस पे हैं, नहीं यार ब्लैक पिलो मंगाने चाहिए थे, व्हाइट पिलो सही नहीं लग रहे, ब्लैक पिलो होते तो मस्त लगते, इसमें भी लगाने थे मेरे को। पिलो एक ये रहा, एक और पिलो एक। चलो भाई ड्रॉर वगैरह मंगा रखी थी मैंने, ये इस रूम में नहीं लगाई है ड्रॉर, इस रूम में भी यहाँ लगाता हूँ मैं। भाई ये दोनों रूम सेम से बनाया मैंने, बिल्कुल साथ साथ में बनाया तो सेम बने। ओके बाथ हीटर वगैरह नहीं लगाए, बाथ हीटर लगा दो मुझे। बाथ हीटर ब्लैक पे ब्लैक यहाँ लगाऊं क्या, नहीं ब्लैक पे ब्लैक सही लग रहा है। बाकी एक बाथ हीटर इस वाले रूम के लिए, उसके बाद एक हैंड ड्रायर यहाँ, एक क्लॉक, एक टॉयलेट पेपर होल्डर यहाँ पे। और कोई आया की भैंस की आंख, पकड़ पकड़, एनर्जी और कम है मेरे में, एनर्जी और कम है, पकड़ 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 पकड़। अरे चाचा, ओ चाचा भग गए, चाचा भग गए। अरे अरे क्यों आते हो तुम भाई, क्यों आते हो, किस लिए भाई, किस लिए? अब मेरे पास सामान भी नहीं है उसको उसको जलाने का। कर लो बात, जोर से बात करो। क्या चाहिए सर आप? 1 बेडरूम चाहिए? रुक जा, होल्ड ऑन। कोई सा रूम खाली है क्या? 1 बेडरूम तो कोई सा खाली नहीं है, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए लेगा तो मैं दे दूंगा। और 2 बेडरूम लेने कोई आ नहीं रखा है ना? वो आ रखा है, कोई आ रखा है, कोई सा आ रखा है। चलो झपक जाए। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी आओ, कचरा साफ कर दूंगा। हेलो दीदी, नहीं है सर आप आओ। दादाजी, क्या बात है, ओहो स्टाइल है दादाजी में। दादाजी की लौंडिया पीछे खड़ी है, रुक जा। 2 बेडरूम ना, होल्ड ऑन। रूम नंबर 3 दे दूंगा इसको मैं, ये ले रूम नंबर 3 ले ले। टेक दिस रूम, टेक द पेमेंट। चलो भाई 500 रुपया आ गया इससे मेरे को। और अभी के लिए भाई ये रूम रेडी है मेरे जहाँ तक लगभग। अच्छा हाँ, वहाँ पे मैं सेल्फ वगैरह लगा दी ना, यहाँ नहीं लगाया, रुक जाओ यहाँ और लगा दूं। होल्डर, टॉयलेट पेपर होल्डर, सेल्फ, टॉवल रैक एंड ड्रायर। चलो अब लगा दी ना सारी चीजें। अब टॉयलेट पेपर रख देता हूँ यहाँ पे, टॉयलेट पेपर 2 और 1 टॉवल, 2 टॉवल पानी में गए छपैक। यहाँ पे भी टॉयलेट पेपर, टॉवल। चलो बची कुछ टॉयलेटरीज 1, 2 और ये 10। चलो भाई बहुत सारा सामान रख दिया मैंने। ये रूम तो मेरा लगभग शायद रेडी हो ही गया है, देखो। अच्छा यहाँ पे वो कर्टेन्स कहाँ है? कर्टेन्स, ये वाला कर्टेन रह गया एक, ठीक है, और एक ये कर्टेन रह गया है ना। एक यहाँ लगाना है, एक यहाँ लगाना है। अरे उस रूम के लिए कर्टेन नहीं मंगाया भाई, 2 ही कर्टेन मंगा रखे मैंने। ये वाला कर्टेन है, इसको बाथरूम में लगा देता हूँ मैं। चलो इसको बंद करो गेट को। यहाँ पे टॉयलेटरी रखनी है 1 और 10। चलो भाई सब कुछ रख दिया, ये भी डन हो गया है। यहाँ पे कबर्ड वगैरह रखी हुई है। AC नहीं लगा इसमें, ठीक है, AC लगा है। और एक रेफ्रिजरेटर भी है मेरे पास। इस वाले कमरे में एक फैसिलिटी देते हैं अपन, एक रेफ्रिजरेटर रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्लग करने के लिए अभी कोई भी सामान नहीं लगाया मैंने, प्लग भी करना है। और एक AC कहाँ गया, एक सेकंड, अभी एक AC कहाँ गया मेरा? वो ये चीटिंग हो गई गाइस, मेरे साथ चीटिंग हो गई। और पुलिस आ गई है और मैंने कुछ सामान नहीं मंगाया था। पुलिस आई ना, ओहो भैया पैसे मांगने लगे पैसे। अ कॉप इज वेटिंग। करती रहे तो मेरे से मतलब है क्या चाहिए तेरे को? बंदूक ऐसे कर दो। रुक जाओ 1 सेकंड, रुको, इसको जो घुमाऊंगा मैं। डिलीवरी में चलो, यहाँ से ऑर्डर करो बैरल, ठीक है, 10 बैरल ऑर्डर कर रहा हूँ, 10 एसिड ऑर्डर कर रहा हूँ, इसको 2 ट्रक में बड़े वाले में, ठीक है, और ऑर्डर कर दो, क्योंकि खूब मरते हैं भाई, खूब आते हैं लोग, एक बार में 4-4 भी उठ जाते हैं मेरे। चल भाई इसको कर फास्ट ऑर्डर कर दिए। और तू खड़े रह, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाके सो रहा हूँ, खड़ा रह तू, 4 बार रहे, 5 बार रहे, मेरे को क्या मतलब। मेरी डिलीवरी आ गई, अब जाऊंगा बेटा और तुझे बताता हूँ मैं कौन सा है, कौन है, क्या है, मेरे को अभी बताओ। तुम सबको यहाँ पटको, ठीक है, ये सारे उठाओ, ये सारे पटको। अब जमाना चालू करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको उठा पहले, इसके अंदर को रख यहाँ, एक दे एसिड की बोतल, इसको डाल इसमें। अब बता अब कहाँ पे है? अभी पुलिस को जाके पूछता हूँ, अभी झूठे नाम का केस ठोक के आता हूँ उसके ऊपर। देखो बस ये थोड़ा मैं खाली कर दूं इधर का। और भाई क्लीनिंग के लिए रखते हैं हमारे यहाँ पे, समझ में आई ना, इतनी सारी जो चीजें पड़ी हुई है ये क्लीनिंग के लिए। एसिड यूज होता है हमारे क्लीनिंग में, एकदम बिल्कुल डिटर्जेंट हम यूज नहीं करते, मस्त एसिड यूज करते हैं जिससे सब कुछ साफ हो जाए ढंग से, समझ रहे हो ना तुम बात, समझो मेरी बात। चल भाई डिलीवरी हो गई पूरी, चल जाओ यहाँ। अरे तू हो जा, हो रहा है नहीं हो रहा है, टोपी पहन के लगाता। वो पुलिस हुई, पेट्रोल नियर बाय, एम्प्लॉय स्टॉप वर्किंग। अगर मैं पुलिस बुलाऊं, नेक्स्ट पुलिस पेट्रोल ही नहीं। अच्छा पेट्रोलिंग बता देता है कब आने वाली है पुलिस, कब नहीं आने वाली है। मेरे को क्या, इसको बेचो पहले। अब मैं पूछ के आता हूँ इस पुलिस वाले से कहाँ पे देख लिया इसने, गलत आदमी अरे हेलो सर, हेलो हाँ सर बताइए सर, हम तो शरीफ आदमी है सर। हेलो, लुक लाइक यू हैव डेड बॉडी इन हियर। कहीं नहीं है सर, लुक लाइक जो लग रहा है तुम्हें, जाके देख क्या हो पहले ढंग से है भी कि नहीं। यू नीड टू पे मी, वेट अ मिनट, तू वेट ही मिनट कर, पे कर भाई इसको, 250 लेके ही मानेगा याद है। और अब मैंने खूब सारे बैरल मंगा लिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। रूम नंबर 1 चेकआउट हो गया है, रूम नंबर 1 खोल। चलो ये रूम नंबर भी चढ़ाऊं 1। और भाई मेरे वो दोनों रूम लगभग रेडी हो गए, लगभग। इसको फेंको कूड़ेदान, इसमें क्या कमी रह गई ये बताओ अब तुम मेरे को। यार ये रेफ्रिजरेटर मेरे को ढंग सा लग नहीं रहा है यहाँ पे, हाँ लगाऊ इसको, अभी के लिए रखे रहने दो, यही अच्छा लग रहा है। क्या कहते हो भाई, ये रूम रेडी हो गए एकदम मस्त, कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट्स में बता देना। अभी इनको रूम को भाड़े पे नहीं चढ़ा रहा, भाड़े पे मैं कल ही चढ़ाऊंगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। आज अपन ने एक साथ 2 रूम पूरे रेडी कर दिए हैं। हाँ अपग्रेडेशन ज्यादा नहीं हुई आज के दिन, बट रूम 2 रेडी हो गए हैं। उसके अंदर कुछ ड्रॉर्स मंगानी है और रूम लैंप, बस ये 2 चीज मंगानी है। उन दोनों रूम्स को मैं भाड़े पे चढ़ा दूंगा। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो इसी बात पे लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।